नाम जगदीश चंद्र भंडारी है, मैं जीडी से आया हूँ। मेरे जो दस नी में पेन हो रही थी और वो जो है साइंस से बाहर आ गई थी, ज़्यादा हो गई थी, तो ये डिसाइड किया कि मैं मेरा लड़का और बहू जिन्होंने अपना प्रैक्टिस चालू किया भिलाई में, उनके पास आया है, क्योंकि मैं और मेरे वाइफ दोनों अकेले थे और वाइफ भी मेरी हार्ट पेशेंट है, तो इसलिए वो ये सोचा कि हम लोग जाके ये इसका ऑपरेशन जो है इसमें रायपुर में कराएंगे। आने पे पता लगा कि डॉक्टर अंकुर गुप्ता काफ़ी एक्सपर्ट हैं इसमें और उन्होंने जो भी ऑपरेशन किए हैं सब सक्सेसफुल हुए हैं। मैंने तो मेरे बेटे ने उनको कॉन्ट्रैक्ट किया, डेट फिक्स हुई और ऑपरेशन हुआ मेरा नी का। और उसके बाद मुझे ये 15 दिन के लिए कहा गया कि आप मतलब कि टांग के जो स्टिचेस लगे हैं वो 15 दिन के बाद खोले जाएंगे। तो मैं अब जो फिर आया हूँ उनके पास स्टिचेस खुलवाने के लिए। अच्छा, इससे पहले मेरा पहला ऑपरेशन भी डॉक्टर अंकुर गुप्ता ने किया था राइट नी का, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इस वजह से मेरा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया डॉक्टर अंकुर गुप्ता में। नी हाँ, मेरी राइट नी जो है बिल्कुल ठीक है, मैं चल सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी लेफ्ट नी का स्टिचेस कर रहे हैं। लेफ्ट नी का स्टिचेस खोलने हैं, और खोलने के बाद जैसा भी डॉक्टर साहब एडवाइस करेंगे मैं वैसा करूँगा। तो आप दूसरे लोगों के लिए क्या सलाह दे पाएंगे? मैं दूसरे लोगों को यही कहूँगा कि ऑपरेशन करवाने से पहले डॉक्टर अंकुर गुप्ता को मिलें और उनकी सलाह लें। मुझे मालूम है उनकी सलाह बड़ी पॉजिटिव होती है, और बड़े ना सिर्फ वो डॉक्टर हैं बल्कि एक बहुत अच्छे ह्यूमन हैं जो पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें करने के लिए। चलिए, हाँ आइए। तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, चलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही मुझे, अभी ठीक महसूस करते हैं। बिल्कुल ठीक महसूस। तो जब नी रिप्लेसमेंट के पहले कैसा, चलने में कितना प्रॉब्लम होता था? बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब कहने को मैं शायद 2-4 मीटर भी नहीं चल सकता था। अभी आप आराम से चल पाते हैं? मैं चल पा रहा हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं? स्टेयर्स? हाँ, मैं सीढ़ी खुद उतर के आया हूँ, खुद चढ़ा था मैं और खुद ही उतर के आया हूँ। तो अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर। आपका जो वीडियो बनाया है हमने जी, हम उसको फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हैं, आप उसके लिए अपनी सहमति दे दें? बिल्कुल तैयार हूँ मैं, आप फेसबुक पे डालें और कहीं डालें, मैं बहुत खुश होऊंगा कि उसमें डॉक्टर अंकुर गुप्ता के बारे में, ताकि लोग इसको समझ सकें कि कौन एक्सपर्ट है और कौन नहीं है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।